अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हमारे पास माइक्रोटिक का कैप एक्सएल एसी है और इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दो तरह से। एक हम देख रहे होंगे हमारे बैकएंड के सर्वर से जो इंटरनेट आ रहा है वो एज इट ही इसके अंदर से पास हो जाए, जिस तरह से नॉर्मल हमारे दूसरे एक्सेस पॉइंट काम कर रहे होते हैं, उस वैसे इसकी सेटिंग करनी हो तो हम किस तरह से कर रहे होते हैं। और एक हम ये मेथड देखेंगे कि इसकी एक पोर्ट के अंदर हम इन करना चाह रहे हैं, उसे हम वैन बना लेंगे और इसके जो वायरलेस इंटरफेसिस है उसको हम लैन बनाने के बाद कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके ऊपर हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट मैंने लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट करवाया हुआ है। मैक एड्रेस के थ्रू इसे मैं कनेक्ट करवा लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम लॉगिन है, अभी पासवर्ड इसका सेट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर विनबॉक्स हमारा ओपन हो चुका है और इसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें इसका पासवर्ड जो है वो सेट करना होगा। यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं, एक दफ़ा इसे क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन कर लेते हैं ताकि पासवर्ड के साथ हम विनबॉक्स को ओपन करके वर्किंग कर सकें हम इस पर। यहाँ पे हमारे पास विनबॉक्स ओपन हो चुका है और सारे टैब्स जो है यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इंटरफेसिस में आ जाते हैं। ईथर वन और ईथर टू हमारे पास दो इंटरफेस हैं इस टाइम पे, ईथर वन ईथर टू और वायरलेस वन वायरलेस टू। वायरलेस वन 2.4 गीगा की फ्रीक्वेंसी और वायरलेस टू जो है W92 ये 5 गीगा की फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे शो करवाएगा। तो इन दोनों को हमने इनेबल करवा लिया है और उसके बाद हम वायरलेस टैब के ऊपर लेफ्ट साइड पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। W91 की सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे, वायरलेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर मोड जो है स्टेशन है, हम इसे चेंज करके एपी ब्रिज कर देंगे। यहाँ पे एडवांस मोड इसका, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडवांस मोड हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं ताकि एडवांस मोड के ऊपर हम इसकी सेटिंग कर सकें। बैंड की बात की जाए तो बैंड यहाँ पे हम GN को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और 20/40 का चैनल हमारे पास यहाँ पर हम चाह रहे हैं। और कंट्री की बात करें तो यहाँ पर मैं नीचे पाकिस्तान को सिलेक्ट करवा लेता हूँ। अप्लाई करेंगे, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं 2442। अप्लाई कर देते हैं। SSID यहाँ पे मुझे चाहिए IT इन्फो 2.4G। अप्लाई, ओके। इसी तरह 5 गीगा की W92 जो है इसको भी हम AP ब्रिज NAC, नीचे से कंट्री पाकिस्तान हम सिलेक्ट कर लेते हैं और चैनल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेते हैं 20, चैनल विड्थ 2040, फ्रीक्वेंसी 5765, IT इन्फो 5G यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करवा लिया है और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। एज ए एक्सेस पॉइंट हमने इनको बना लिया है, सिग्नल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लैपटॉप पे देखें तो हमारे पास IT Info 5G का सिग्नल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2.4G का भी सिग्नल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर तो हम चाह रहे हैं कि जो इसकी ईथर वन या ईथर टू से जो नेट आ रहा है वही हमें वायरलेस की इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर आगे ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए सिंपल हम एक ब्रिज यहाँ पर बनाएंगे। ब्रिज बनाने के बाद इसमें ऑल पोर्ट्स जो है वो हम ऐड करवा देंगे। W91 अप्लाई, कॉपी। W92 अप्लाई, ओके। एक और कॉपी इसकी करेंगे, ईथर वन अप्लाई और एक और कॉपी इसकी लेके ईथर टू अप्लाई। अब इसकी ईथर वन पोर्ट से अगर इंटरनेट इसमें आ रहा है या ईथर टू पोर्ट से आ रहा है तो वो हमें वायरलेस में भी मिलेगा, और ईथर टू से अगर हम नेट ले रहे हैं तो ईथर वन से हम दूसरे कैब को भी डाटा यहाँ से हम दे सकते हैं। तो ये मेथड तो हो गया इसका ब्रिज मोड का, यहाँ पे ऑल जो हमारी पोर्ट्स है वो हमने ब्रिज कर ली हैं। लेकिन हम इसकी जो सेटिंग है वो करना चाह रहे हैं कि ईथर पोर्ट जो है टू वो इसकी वैन बन जाए और ये दोनों जो है ये इसकी लैन बन जाए। ब्रिज का नेम जो है यहाँ पे हम चेंज करके ब्रिज लैन रख देते हैं और यहाँ पे पोर्ट्स पे हमारे पास वायरलेस लैन वन वायरलेस लैन टू दोनों इसकी स्लेव बन गई हैं। अभी जितनी भी सेटिंग है वो हम ब्रिज लैन के ऊपर करेंगे। एड्रेसेस में आ जाते हैं, 192.16.16.1/24 इंटरफेस। अब हमारा ब्रिज लैन यही हम सेलेक्ट कर रहे होंगे।
आईपी डीएनएस की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम डीएनएस सेट कर लेते हैं अपना, दोबारा से कनेक्ट करवाते हैं। पोर्ट हमारी जो है अभी दोबारा से लैपटॉप के साथ प्लग इन करवा लेते हैं ताकि जो डिसकनेक्टिविटी हुई है ये दोबारा से नहीं हो। कनेक्ट करवा लेते हैं, यहाँ पे डीएनएस की सेटिंग करेंगे 8.8.8 सेकेंडरी डीएनएस 8.8.4.4 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इसे ओके कर देंगे। इसके बाद हम डीएससीपी की सर्वर जो है इसकी सेटिंग के लिए आईपी डीएससीपी सर्वर डीएससीपी सेटअप और यहाँ पे ब्रिज लैन है, हम नेक्स्ट करते जाएंगे। और तो यहाँ पे डीएससीपी जो सर्वर है ये हमारा क्रिएट हो चुका है, इसे हम यहाँ पे अब क्लोज कर देते हैं। आईपी हॉटस्पॉट में आ जाएंगे, हॉटस्पॉट सेटअप और यहाँ पे अगेन ब्रिज लैन नेक्स्ट करते जाएंगे और सेटअप हम कंप्लीट कर लेंगे। डीएनएस नेम अभी हम कोई भी नहीं रख रहे, पर मैक जो है एड्रेस पर मैक 1 चाहिए हमें। और यहाँ पे लॉगिन में कुकीज़ को ख़त्म करेंगे, HTTP चैप और PAP को हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे एक यूज़र एडमिन का बना हुआ है और डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल जी हम यहाँ पे एक प्रोफाइल जो है क्रिएट कर लेते हैं 1M की। यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल जो है वो बना ली है। वन एम की यहाँ पे प्रोफाइल हम बना लेते हैं, 1M नेम और इसकी रेट लिमिट जो है वो भी हम 1M डाउन 1M अप यहाँ पे करने के बाद अप्लाई ओके कर देते हैं। यूज़र में एडमिन है और एडमिन की जो प्रोफाइल है ये हम 1M भी यहाँ पे सेलेक्ट करवा लेते हैं। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी हम इसका एडमिन ही रख लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई और ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी DHCP सर्वर की भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग जो है हॉटस्पॉट की भी कर ली है। इसकी जो वायर है वो हम लैपटॉप के ईथर पोर्ट से उतारने के बाद ये हम अपने नेटवर्क का जो हमारे पास स्विच है उसके अंदर हम प्लग इन कर देते हैं ताकि इसकी जो ईथर पोर्ट है उसे हम कॉन्फ़िगर कर सकें एज ए वैन। यहाँ पे बात की जाए 18.4.5G इसके साथ हम कनेक्ट करवा लेते हैं। अभी तक हमने कोई सिक्योरिटी यहाँ पे डिफाइन नहीं की, ओपन हमारा नेटवर्क है, सिक्योरिटी वायरलेस के ऊपर किस तरह से इसकी सेट होती है वो भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे IT Info 5G के साथ कनेक्ट हो चुका है। डिटेल में अगर चेक करें तो हमने यहाँ पे 192.168.16.0 का नेटवर्क हमने रखा था, उसी का ही हमें 254 IP एक मिल चुका है। और विनबॉक्स जो है अभी हम कनेक्ट करवा लेंगे 192.16.16.1 IP के ऊपर हमारा विनबॉक्स है यहाँ पे। हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर है तो इसलिए अभी यहाँ पे हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पे ओपन करने के लिए हमें हॉटस्पॉट पेज लॉगिन करना होगा 192.16.16.1। हमने यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड भी यहाँ पे एडमिन सेट किया हुआ था तो कनेक्ट करवा लेते हैं। हॉटस्पॉट हमारा लॉगिन हो चुका है, अब हमारा विनबॉक्स जो है ये भी हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं आईपी और हॉटस्पॉट और यहाँ पे एक्टिव में हम देखें तो एडमिन का यूज़र हमारा एक्टिव हो चुका है। अभी हमारे लैपटॉप में इंटरनेट की बात की जाए तो वो नहीं चल रहा होगा क्योंकि हमने अभी वैन जो है वो अभी तक सेट नहीं की है। तो यहाँ पे आईपी डीएससीपी क्लाइंट ईथर 2 जो है ये हमारी कनेक्ट है स्विच के साथ। ईथर 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसे अप्लाई ओके कर देते हैं ताकि हमारे राउटर के अंदर जो नेट है ये आ जाए और हमें मिलना शुरू हो जाए इंटरनेट की एक्सेस। यहाँ पे हमारे पास पिंग आ चुका है और हमारे पास गूगल की पिंग भी आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर देखें
google.com, तो हमारे पास यहाँ पे गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने इसकी अभी सेटिंग की है। अब जो है हम यहाँ पे इसकी वायरलेस का पासवर्ड किस तरह से रख रहे होते हैं इसे हम देखेंगे। सिक्योरिटी वायरलेस पे जाने के बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल, और यहाँ पे हम 2.4 गीगा के लिए हम क्या पासवर्ड रखना चाह रहे हैं, WPA2 PSK 1122 3 4 1122 3 4। अप्लाई अगर 5 गीगा के लिए आप अलहदा से कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, उसके लिए अलहदा से प्रोफाइल बना लेंगे। अगर दोनों के लिए सेम पासवर्ड हमें चाहिए तो एक ही प्रोफाइल हम दोनों का अलाउ करवा सकते हैं। WLAN 1 को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, वायरलेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल पे देखें तो 2G वाले को मैंने यहाँ पे 2G वाली प्रोफाइल असाइन करवा दी है, और इसे हम 5G वाली जो प्रोफाइल है वो हम असाइन यहाँ पे करवा देते हैं 5G वाले इंटरफेस के ऊपर। नेट जो हमारा लैपटॉप है ये यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम दोबारा से कनेक्ट करवाते हैं। इससे पहले भी मैंने सेम पासवर्ड के ऊपर सेव करवाया हुआ है तो इसलिए इसने मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा। 2.4 को अगर कनेक्ट करवाऊँ तो मुझे पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। ये मैंने 1122 3 4 पासवर्ड टाइप किया है, और मेरी कनेक्टिविटी जो है ये भी लैपटॉप की मेरे जो इसके साथ हो गई है। और IP की बात करें तो मुझे IP जो है मिल चुका है, और यहाँ पे अगर हम स्टेटस चेक करें तो ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ, क्योंकि अभी रिफ्रेश जो हमारा लॉग आउट सेशन है वो नहीं हुआ था। यहाँ पे मैंने लॉग आउट इसे एक दफ़ा कर दिया है। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, अगेन कनेक्ट करवा लेते हैं और इसे एक दफ़ा रिकनेक्ट करवाते हैं। IP यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और IP के ऊपर हमारा विनबॉक्स ओपन हो चुका है। IP हॉटस्पॉट और यूज़र एक्टिव में एडमिन जो है ये हमारा यूज़र एक्टिव है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कैप AC को ब्रिज मोड के ऊपर हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, और हम इसकी वायरलेस जो इंटरफेसिस है उसके ऊपर हमें हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करना है तो वो हम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह न्यू जो है हमारे पास एक्सेस पॉइंट है एक और ब्रांड का, उसे हम टेस्ट करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके जहन में, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मसरूफियत की वजह से जल्दी रिप्लाई नहीं हो पाता, कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी रिप्लाई दे सकूँ। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।